हम एक विद्यार्थी को कहते हैं अच्छा लिखो अच्छा लिखो अच्छा लिखो, नहीं। किसी भी आकृति को बनाने के लिए उसकी उसके कुछ नियम होते हैं, जब तक हम उन नियमों को लागू नहीं करते हैं हमसे आकृतियाँ अच्छी बनेंगी नहीं। आप एक घर बनाते हैं, हर पिलर का मेजरमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी चीज़ हो, आप कपड़ा सिलाते हैं, ठीक है, अपने शरीर का मेजरमेंट देते हैं नहीं देते हैं टेलर को, देते हैं ना अपने शरीर की नाप। ऐसे ही जो है हिंदी अक्षरों के अंतर्गत या किसी भी लैंग्वेज के अंतर्गत, किसी भी भाषा के अंतर्गत कुछ नियम होते हैं, कुछ नापजोक होती है जिसको हमने लागू करना पड़ता है। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ लेकर के आई हूँ। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत एक ऐसा अक्षर है, एक ऐसा अक्षर है जिसका कहीं भी उपयोग नहीं होता है, ठीक है। वो अक्षर प्यारे विद्यार्थियों क्या है? अह। वो अक्षर है हमारा अह, ठीक। ये अक्षर अह जिसको हम अह कहते हैं, ये अक्षर अह है हमारा, और जिसका कहीं भी जो है उपयोग नहीं होता है, ठीक। अब इसकी ज़रूरत क्या है? उपयोग नहीं होता है तो इसकी ज़रूरत क्या है? कोई ज़रूरत आपको महसूस होती है इसकी? ठीक है, ये अक्षर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण इसके साथ लगे हुए ये दो बिंदु हैं, ठीक है। ये दो बिंदियाँ जो इसके साथ लगी हैं ये जितनी महत्वपूर्ण है, ये इसकी पहचान है। ये दो बिंदियाँ लगना, अह के अंत में दो बिंदियां लगना इस अह को परिपूर्ण कर देती हैं। कहीं पर भी इसको लिखा नहीं जाता है अह को पूरा। देखिए, हम कहते हैं अंग से अंगूर, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? अंग से अंगूर पढ़ते हैं हम, ठीक। यहाँ पर जो है, जो हमारा क्या है अनुनासिक, ये विसर्ग है, ये विसर्ग है, ये जो है अनुस्वार है, अंगूर हम ऐसे उपयोग करते हैं। अंग का तो उपयोग हम पूरे पूरे रूप में करते हैं, और इसके पूरे अह के पूरे रूप में कहीं पर भी उपयोग नहीं होता है। जैसे हम प्रातः लिखते हैं, हम ऐसा प्रातः नहीं लिखते हैं, प्रा 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 त अह, ऐसा हम कभी नहीं लिखते हैं, प्रात अह। आपने कभी लिखते हुए देखा है ऐसा लिखते हुए देखा? नहीं, कभी नहीं लिखते हैं हम। इन जो है इन दो बिंदियों को इधर ले आते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं हम अह का चिन्ह, तब हमारा पूरा क्या मिल जाता है? प्रातः मिल जाता है। ये देखिए, ऐसे करके प्रातः, देखिए प्रातः हो गया। ऐसे दूसरे अक्षर अगर हम देखें तो नमः, ये नमः, ये नमः, प्रातः नमः, ठीक है। जैसे मृगः, मृगः, सिर्फ ये हम इसके विसर्ग का जो रूप है, दो सिर्फ जो दो बिंदियां हैं उन्हीं को हम अपनाते हैं, पूरे अक्षर को कहीं पर भी लिखावट में उपयोग नहीं करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल वापस आ गया है, पूरा सहयोग मिलेगा, आप भी मेरा उत्साह वर्धन कीजिएगा। चैनल में थोड़ी सी रुकावट जैसी आ गई है, आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरे साथ बोलिएगा जय हिंद जय भारत।